लक्कड़ बाजार में आज सुबह एक बेकरी की दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं लोगों ने दमकल विभाग को आग की सूचना दी तो दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इससे पहले ही दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तृप्ति बेकरी रेस्टोरेंट के मालिक सुनील ने बताया कि इस आगजनी में दुकान के अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया है, जिससे उन्हें 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। हमारी बेकरी की शॉप थी जी, मेरा नाम सुनील है और पिछले 12-13 साल से हम यहाँ बेकरी का चला रहे थे। काम शॉर्ट सर्किट हुआ है। सुबह 7 बजे के करीब मेरे ख्याल टकेंद्र पवर जी ने देखा है, उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड भी उसी समय आ गए थे, उन्होंने कंट्रोल कर ली थी, पर 20 मिनट में सब खत्म हो गया, सारे इक्विपमेंट खत्म हो गया। 50-60 लाख रुपया मिले करने, बस अब रीबिल्ड करना पड़ेगा। क्यू चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।